नमस्कार दोस्तों, मैं राजेश डी और आप देख रहे हैं IDHSR YouTube चैनल। सबसे पहले तो आप सबका इस चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। और दोस्तों, आज की ये जो वीडियो है ये सिर्फ आपको थैंक यू कहने के लिए वीडियो है। 25 अगस्त 2020 को हमारे चैनल के 500 सब्सक्राइबर्स पूरे हुए हैं। 500 सब्सक्राइबर्स इस चैनल के, इस एजुकेशनल चैनल के आपने कंप्लीट किए। पूरे के पूरे सभी 500 प्लस सब्सक्राइबर्स को मैं तहे दिल से थैंक यू कहने के लिए इस वीडियो में आया हूँ। शायद आपने जब मैंने 100 सब्सक्राइबर्स पर पहली वीडियो जब बनाया था तब आपने देखे भी होंगे, वो वीडियो सुने होंगे। तो उसमें मैंने बताया था कि किस तरीके से ये चैनल शुरू हुआ। ये चैनल शुरू हुआ था करीब शायद फरवरी 2012 में शायद, और वो बस जस्ट मुझे पता भी नहीं था कि ये ही चैनल को मैं कंटिन्यू करूँगा या क्या। जस्ट कैजुअली क्रिएट कर दिया, कोई वीडियो डाल दी और फिर सोचा कि कोई पोएम्स वगैरह जो भी है वो डालेंगे। इस तरीके से वो चैनल शुरू हुआ। मैंने कभी YouTube को एज ए प्रोफेशन या क्या बोलेंगे एज ए पैशन भी कभी नहीं देखा था। इसके पहले मैं ब्लॉगिंग की दुनिया को थोड़ा सा फॉलो करके आया हूँ। आप सब जानते हैं IDHSR.com मेरी वेबसाइट है और मैं ब्लॉगिंग की तरफ थोड़ा सा ज़्यादा फोकस था। बाद में जो KBC प्ले अलॉन्ग जो लास्ट ईयर जब आया था उस वक्त उसी की वीडियो डालने के लिए मैं इस चैनल को फिर से थोड़ा सा स्टार्ट किया। और जब आप लोगों का अच्छा रिस्पॉन्स मिला तब जाकर हमने सोचा कि नहीं, YouTube पर भी यही चैनल को कंटिन्यू करेंगे। और तभी मतलब कई 8 साल के बाद जो 24 मार्च 2020 को हमने 100 सब्सक्राइबर्स कंप्लीट किए थे उस पर भी हमने एक बार थैंक यू कहने के लिए एक वीडियो भी डाला था। उसके बाद में बिल्कुल कुछ 2 महीने लगे हमको 100 से 150 तक पहुँचने के लिए। फिर वहाँ से सिर्फ हफ्ते भरे में मतलब 28 मई को 200 सब्सक्राइबर कंप्लीट हो गए। उसके बाद में बिल्कुल 200 से 250 सिर्फ एक दिन के भीतर, मतलब कि बिल्कुल एकदम रिकॉर्ड टाइम बोलना पड़ेगा, 29 मई को हमने कंप्लीट किया। देन 250 से 300 तक पहुंचने के लिए और हमको सिर्फ 9 दिन लगे, जो कि 7 जून को हमने वो भी एक लैंडमार्क कंप्लीट किया था। और उसके बाद 350 सब्सक्राइबर्स 29 जून तक 22 दिन कंप्लीट करने के बाद में, फिर 400 सब्सक्राइबर्स 30 जून को, मतलब अगेन एक दिन के भीतर फिर से 50। तो इस ग्रोथ से हम बड़े हुए हैं। और उसके बाद आज मतलब 25 अगस्त को ये जो है हमने 500 सब्सक्राइबर्स का लैंडमार्क छुआ है। तो 400 सब्सक्राइबर्स के बाद लास्ट के जो 100 मतलब लास्ट के 100 सब्सक्राइबर्स जो है वहाँ तक पहुँचने के लिए हमें करीब 66 डेज का समय लगा है। उसके पीछे कारण भी है इस पीरियड में, क्योंकि KBC के दौर में जो है बहुत ही शीघ्र गति से हमारे सब्सक्राइबर्स बढ़े। आप लोगों का बहुत ज़्यादा प्यार मिला। मुझे ये बहुत अच्छे से ये चीज़ पता है कि कौन बनेगा करोड़पति के जो प्रोग्राम है उसके बारे में हमारे जो वीडियो डालते थे, चाहे वो KBC प्ले अलॉन्ग हो, चाहे KBC से के रजिस्ट्रेशन से संबंधित कोई क्वेश्चन हो या अपडेट्स हो, वो जब से हमने इस चैनल पर स्टार्ट किए तभी से हमारे सब्सक्राइबर्स बढ़े हैं। हम ये भी जानते हैं कि इस चैनल के मैक्सिमम सब्सक्राइबर्स KBC की वीडियोस की हो करते हैं, पर मैंने इस चैनल पर जो कंटेंट डाला जाता है उसके संबंध में एक चीज़ आपको बताया भी था, और वो ये कि हम जब तक 1000 सब्सक्राइबर्स नहीं हमारे कंप्लीट होते तब तक ये चैनल निष्क्रिय रहेगा। निष्क्रिय रहेगा मतलब जो भी कंटेंट है हमारे चैनल के भीतर, जो भी एजुकेशनल कंटेंट, जो भी इंफॉर्मेशनल कंटेंट है, वो हम इस चैनल के माध्यम से देते रहेंगे। और तभी मैंने कंटेंट के बारे में जब एक बार इंफॉर्मेशन आपको दिया था तब मैंने ये भी कहा था कि हमारा फोकस इंग्लिश ग्रामर पर रहने वाला है करके। हालांकि वो बहुत लेट शुरू हुआ, 100 सब्सक्राइबर्स कंप्लीट होने के बाद में भी वो शुरू नहीं हो पाया था। और मैंने कहा था कि हम जल्दी शुरू करेंगे, पर मैं अभी खुशी के साथ बताना चाहता हूँ कि हाँ, हमने इंग्लिश ग्रामर की जो वीडियोस है वो भी स्टार्ट कर दी है। आप सबका उसको भी अच्छा ही रिस्पांस मिलेगा ये मैं उम्मीद रखता हूँ। और बहुत मेहनत लगती है वीडियो बनाने में, एडिटिंग करने में, और हम वो करते हैं। हम डेडिकेशन के साथ में ये सब चीज़ें कर रहे हैं। इंग्लिश वीडियोज इस चैनल पर रेगुलर रहेगी, ये प्रॉमिस मैं करता हूँ। साथ में ही जो कौन बनेगा करोड़पति की वीडियोज एक्सपेक्ट करने वाले हमारे जो व्यूअर्स है उनको भी मैं ये चीज़ बताना चाहूँगा कि जी हाँ, आप ने अगर कौन बनेगा करोड़पति के वीडियोस के लिए अगर हमारा चैनल सब्सक्राइब किया हुआ है तो आप चैनल के साथ बने रहिए। क्योंकि आपको मैंने एक चीज़ इसके पहले भी कही है, कुछ चैनल्स अभी भी यूट्यूब पर है जो बहुत ज़्यादा पॉपुलर चैनल है, मुझे पता है वो कौन बनेगा करोड़पति के नाम से वीडियो भी बना रहे हैं, पर मैंने एक चीज़ कहा था कि मुझे मेरे जो व्यूअर्स है उनके साथ में क्या बोलेंगे उनको गलत इन्फॉर्मेशन देना मेरे प्रिंसिपल्स के मैं खिलाफ मानता हूँ। और मैंने ये भी कहा था कि जब
कंटेंट रहेगा, जब कोई अपडेट रहेगी हम तभी अपडेट डालेंगे। हम सिर्फ व्यूज बढ़ाने के लिए, सिर्फ वॉच टाइम बढ़ाने के लिए, सिर्फ सब्सक्राइबर्स ज्यादातर हमारे चैनल पर आए, ज्यादा सब्सक्राइबर्स बढ़े, और इस उद्देश्य के लिए, इस उद्देश्य को पूरा करने के लिए हम कभी भी अगर कोई अपडेट नहीं है तो कोई भी तोड़ मरोड़ कर कौन बनेगा करोड़पति की वीडियो है बोलकर उसके संबंध में हम वीडियो डालें, ऐसा हम कभी नहीं करेंगे। और ये मेरे प्रिंसिपल्स के खिलाफ है, ये मैंने इसके पहले भी कही हुए हैं। मैं ये मानता हूँ कि अगर किसी भी चीज़ पर अगर आपको श्योर खुद कौन बनेगा करोड़पति की टीम को नहीं पता रहता कि मैं किस कंटेस्टेंट को क्या सवाल दूंगा या मैं किस सीजन में क्या सवाल दे दूंगा, तो कोई भी ये कैसे कह सकता है कि हम ये इस तरीके के सवाल आएंगे या ये कौन बनेगा करोड़पति के सवाल है। जीके इतना वास्ट है कि जीके पर कोई भी जो है वीडियो नहीं बना सकता पर्टिकुलर जीके के ऊपर। और करके हमने सोचा कि नहीं, जब अपडेट रहेगी लीगल बिल्कुल रेगुलर अपडेट रहेगी तभी हम डालेंगे। और कौन बनेगा करोड़पति के संदर्भ में दो अपडेट हमारे पास है, इस वीडियो के बाद में आपको बस एक दो दिन के भीतर आपको वो अपडेट मिल जाएंगी। एक फेक मैसेज है जो चल रहा है, वायरल हो रहा है, उसका भी हम जो एक तरीके से पर्दाफाश है, आप बोल सकते हैं, आपको अवेयर करने के लिए, अलर्ट करने के लिए वो हम डालने वाले हैं। कौन बनेगा करोड़पति की शूटिंग से संदर्भ के संदर्भ में भी फिलहाल एक छोटी सी अपडेट है, वो भी हम जरूर डाल देंगे हमारे इस चैनल पर इस वीडियो के बाद में। और इस चैनल पर जो कंटेंट रहेगा वो मैं फिर से एक बार आपको बता दूं, हमारा फोकस क्या है। कौन बनेगा करोड़पति की जब अपडेट रहेगी वो हम डालेंगे। बिल्कुल आपने अगर उस काम के लिए सब्सक्राइब किया है तो पहली बात तो आप बिल्कुल सही जगह पे हैं। गलत इन्फॉर्मेशन मैं नहीं दूंगा, ये इसके पहले भी कहा था, अभी भी कह रहा हूँ। सिर्फ व्यूज बढ़ाने के लिए, वॉच टाइम बढ़ाने के लिए या सब्सक्राइबर्स को अट्रैक्ट करने के लिए केबीसी की हैशटैग देकर, केबीसी का नाम डालकर मैं कोई वीडियो डालूँ, ऐसा मैं कभी नहीं करूँगा। दूसरी चीज, इस चैनल पर जो और जो फोकस थी वो थी टीचर भर्ती से रिलेटेड। और हाँ, टीचर भर्ती से रिलेटेड जो भी अपडेट है वो भी हम इस चैनल पर देते रहेंगे। कुछ अपडेट्स है जो मिस हुई है, उसके पीछे कारण भी है, कुछ पर्सनल रीजंस भी थे जिसके वजह से हम वीडियोस नहीं बना पाए। तो अभी मात्र जो है टीचर भर्ती या कॉम्पिटिटिव एग्जाम से रिलेटेड जो भी अपडेट्स रहेगी वो इस चैनल पर हम वो भी कवर करते जाएंगे, बिल्कुल रेगुलरली वो कवर करेंगे। साथ में ही बहुत सारे प्लान्स है यूट्यूब चैनल को ग्रो करने के लिए, इस यूट्यूब चैनल पर इम्प्लीमेंट करने के लिए, और वो हम धीरे धीरे कर ही रहे हैं। आपको दिखते भी होंगे, अभी एडिटिंग में आपको कुछ बदलाव दिख रहे हैं, जैसे म्यूजिक हो गई या बैकग्राउंड में या एडिटिंग में कुछ चीज़ें हो गई। मैं ये नहीं कहता कि वो बहुत एडवांस है, वो आप बाकी चैनल पर भी देखती है, पर जो हमें स्किल्स नहीं आती थी वो हम सीख रहे हैं और अपने चैनल पर इम्प्लीमेंट कर रहे हैं। आपको ऐसे ही जो चेंजेस है इस चैनल पर वो भी रहेंगे, मिलते ही रहेंगे, खैर वो एक्सपेरिमेंट्स हम करते ही रहते हैं। और इंग्लिश ग्रामर की जो वीडियोस है वो बिल्कुल रेगुलर रहेगी। आप अब ये मान के चल सकते हैं कि इंग्लिश ग्रामर के वीडियोस के लिए ये चैनल रहेगा। और उसके अलावा जो है, जैसे केबीसी की मैंने बात कहा, तो मैं ये बिल्कुल नहीं कहूँगा कि केबीसी की वीडियोज है, पर हाँ, केबीसी में इसके पहले जो सवाल पूछे गए हैं, एक मेरा भी प्लान है कि वही वो सवालों को, मेरे पास एक कनेक्शन है जरूर, तो वो सवालों को हम जनरली डेली 10 या 20 या जो भी है पर्टिकुलर क्वेश्चंस हम कवर करने की कोशिश करेंगे। मैं कोशिश कह रहा हूँ, मैं प्रॉमिस नहीं कर रहा हूँ, पर कोशिश करेंगे कि हम 10-20 सवाल हर दिन हम भी लें। पर मैं फिर से कहूँगा कि वो सवाल केबीसी में आएंगे इस माइंडसेट के साथ ना हम डाल रहे हैं और ना ही उस माइंडसेट के साथ आप देखिएगा, अगर वो हम इम्प्लीमेंट करते भी है, वो अगर हम उस डालते भी है तो। पर हाँ, अपडेट्स आपको जरूर मिलते रहेंगे, जब सच्ची ट्रूथफुल अपडेट रहेगी जो सच रहेगी तब हम जरूर दिखाएंगे हमारे चैनल पर। और इंग्लिश की वीडियोज़ तो जैसा कि हमने कहा, इंग्लिश की वीडियोज़ तो रहेगी। और जैसा कि अब ये पूरा मिक्स मसाला एक चैनल पर देखकर आपको भी शायद उसमें लगता होगा कि क्या, तो मैंने इसके पहले भी कहा हो, 1000 सब्सक्राइबर जब तक नहीं होते तब तक हम पूरा हर विषय का कंटेंट हमारे इसी चैनल पर हम देते रहेंगे। हाँ, एक बार 1000 सब्सक्राइबर हो गए कि उसके बाद फिर हम सोचेंगे कि नया एक आधा चैनल क्रिएट करना है या क्या करना है, आगे की रणनीति जो भी रहेगी हमारी पुरानी वो आपको बता दी जाएगी। पर फिलहाल अब तक तो भी चाहे जिस भी गति से आप लोगों का प्यार इस चैनल को मिला है, आपका वो प्यार बना रहे। हमने बीच में ब्रेक भी बहुत लिया वीडियो डालने के लिए, तो वो भी एक रीज़न है कि हमको 66 डेज लगे 400 के बाद 500 तक पहुंचने के लिए। पर आगे मैं उम्मीद करता हूँ कि ये जो सब्सक्राइबर्स की बढ़ने का रेट है, आप अपने ज़्यादातर दोस्तों को शेयर करें हमारे वीडियोज जो भी है आपके काम के लिए है, जो भी आपके दोस्तों के काम के है, तो और हमारे चैनल को जो आपने प्यार अब तक दिया है वो वैसा ही बना रहे। इसी उम्मीद में मैं आप सबको फिर से एक बार
जो हमारी 500 सब्सक्राइबर्स की है, 500 प्लस सब्सक्राइबर्स की फैमिली बन चुकी है आरडीएस सर यूट्यूब चैनल की, उसके लिए मैं आप सबको फिर से एक बार थैंक यू कहना चाहूँगा। और हमेशा की तरह इस वीडियो को भी एक बार लाइक जरूर कर दीजिएगा यार, और साथ में अगर आपको कोई सवाल या सुझाव अगर है तो जरूर कमेंट कर दीजिएगा। और हमारे जो वीडियोज़ हैं, इस वीडियो को आप भले ही शेयर मत करो, करो कोई दिक्कत नहीं है, पर जो हमारे नॉलेजेबल कंटेंट है, जो इन्फॉर्मेशनल कंटेंट है, एजुकेशनल कंटेंट है, उसे जरूर शेयर कीजिएगा, अपने दोस्तों को बोलिएगा कि इस चैनल को सब्सक्राइब करें, नॉलेजेबल कंटेंट आपको मिल रहा है, हम मेहनत कर रहे हैं उसका भी हमको थोड़ा बहुत फल मिलेगा। थैंक यू सो मच फिर से एक बार, 500 सब्सक्राइबर्स हमारे इस चैनल को कंप्लीट हो गए, उसके लिए मुझे तो बधाई बनती है, आपको भी ज़्यादा बधाई बनती है कि आप इस चैनल का हिस्सा है, आपके वजह से ये चैनल है, और करके आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत थैंक यू सो मच कि आप सबका इतना ज़्यादा प्यार मिला। हम उम्मीद करेंगे कि जल्द ही ये जो 500 है ये 1000 तक पहुँचेंगे, और फिर आगे जो लैंडमार्क्स है, आगे जो माइलस्टोन्स है वो हम अचीव करेंगे। थैंक यू सो मच।